और इस वक्त सीधे रायपुर चलेंगे, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो गया है। प्रदर्शन किया है, इससे पहले भी महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन आज जो प्रदर्शन है वो दो महत्वपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन के साथ साथ एक दूसरा प्रदर्शन होना है जिसमें एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है जो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जो उसका रुख रहा है कोर्ट में लेकर के उसको लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ केंद्र की मोर्चा खुला हुआ है। फिलहाल बातचीत करते हैं कि आंच लगी हुई है और सब्जी पक रही है, लेकिन जो इसके सहारे राजनीतिक रोटी सेकना चाह रही हैं वो कितनी पकेगी। आप लोग यहाँ पे तो ठीक है कि आप लोगों ने चूल्हा जला रखा है, एक प्रतीक के तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें राजनीति की जो रोटी है वो कैसे कितनी सिकेगी, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोग प्रदेश की राजधानी में आवाज उठा रहे हैं और सरकार जो केंद्र की है उसने दाम बढ़ाए हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये राजनीति रोटी नहीं है, ये महिलाओं पे पीड़ा है। पूरे देश की महिलाएं महंगाई पे बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनका घर का बजट बिगड़ चुका है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, गैस सिलेंडर देके गैस में रोटी बनाएंगे, गैस चूल्हा से रोटी बनाएंगे, ये उन्होंने कहा था। पर आज मजबूर कर दिया कि महिलाओं को फिर से चूल्हे का धुआं खाओ और चूल्हे में खाना बनाओ, क्योंकि दोबारा गैस सिलेंडर को भरवाने के लिए महिलाओं के पास पैसा नहीं है, तो दोबारा कहाँ से भरवाएंगे। ये इसी का हम कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, जो महिलाओं की भावनाओं को नरेंद्र मोदी जी नहीं समझ सकते। नहीं, आपको लगता है कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी? हालांकि इसमें जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका साफ तौर से बयान है कि अगले महीने से कीमतें कम होंगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। देखिए, जब जब कम करेंगे तब हम मानेंगे, अभी तो हुआ नहीं है। जब तक कम ना हो तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे, इसी तरह सड़क पे उतरते रहेंगे और धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे। ये हमारी संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार बता रही हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है उसका विरोध कर रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस दरअसल दो और प्रदर्शन कर रही है और एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है वो आरक्षण को लेकर के हो रहा है, जो सेंट्रल का रुख है उसको लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। गिरीश देवांगन प्रभारी महासचिव हमारे साथ हैं। गिरीश जी, ये जो प्रदर्शन है आप लोगों का कब से शुरू हो जाएगा और किस चीज को लेकर के ये प्रदर्शन है, जो स्टैंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो, या फिर जो रुख है जो आरोप आप भाजपा पे लगाते हैं उसको लेकर के ये प्रदर्शन? देखिए, एक प्रकार से पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी और आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है ये मोदी जी की देन है, उसका लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और अचानक 144 रुपया गैस सिलेंडर में वृद्धि करके 970 रुपया के आसमान छूती महंगाई में लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे परिवार का आर्थिक जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के आरक्षण का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार न मानते हुए एक षड्यंत्र करके जिस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी शामिल होकर इसमें कटौती करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रत्येक जिलों में आंदोलन हो चुका है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज संयुक्त तौर पर यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी प्रदेश स्तरीय यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन है। ये जो आज प्रदर्शन है दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो कब से वो क्या? शुरुआत महंगाई को लेकर अब तो प्रदर्शन चालू हो गए हैं, अभी और हमारे साथी आ रहे हैं। ओबीसी पे क्या स्टैंड है और रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि स्टेट में भी मामला हाईकोर्ट में? यानी वही तो बता ही रहा हूँ आपको मैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी तीनों के आरक्षण में जो कटौती का षड्यंत्र विभिन्न पहले से ही मोहन भागवत चिल्ला रहे थे कि आरक्षण और ये और वो, उनका चरित्र चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के बारे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्या सोचती है ये प्रमाणित हो गया है, उसी का विरोध पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। जो अभी आप लोगों ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया और इसके अलावा एससी का आरक्षण बढ़ाया, लेकिन हाईकोर्ट में स्टे हो गया है, उस पर अब क्या रुख रहेगा कि
अब जो लोग घोषणा किए हैं वो पूरी हो सकती है। तो मामला विचाराधीन है और माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जब न्यायालय के निर्णय आएंगे तो उसमें प्रदेश सरकार अलग रणनीति बनाएगी। तो रणनीति बनाएगी राज्य सरकार जब न्यायालय से निर्णय आएगा। लेकिन इस बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रुख को आरक्षण विरोधी करार देते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और सभी राज्यों में ये प्रदर्शन करके संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ओबीसी एससी और एसटी वर्ग को वो उनके हितों की रक्षक है, उनके साथ वो खड़ी है और उसी सिलसिले में प्रदेश स्तरीय ये प्रदर्शन आज हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया रुपेश जानकारी को साझा करने के लिए। और